हालेलुया, वैसे सबका जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप पर भी शराप है? अगर आप भी शराप से ग्रस्त हैं, अगर आपके ऊपर भी शराप है, तो आज पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके ऊपर से, आपके घर के ऊपर से शराप टूटने वाला है। बस प्रार्थना में बने रहें, कुछ नहीं करना आपने। बस कहें कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पे दया करो, मैं शरापों से आज़ाद होने पाऊँ, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर जाएंगे और आप चंगाई छुड़कारा पा जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी शरापा को तोड़ दे। जिस तरह पवित्र वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को खत्म करने के लिए अपनी जान तक दे दी। परमेश्वर हमारे पापों की खातिर क्रूस पर टांगे गए, उन्होंने अपनी जान दी, और अपनी जान देकर परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें शरापों से आज़ाद किया है। वो महान परमेश्वर ने हमें पापों से आज़ाद किया है। हमारे पर शराप थे, जो वचन कहता है कि जो विद्याओं का वो लेख जो हमारे नाम पर, जो हमारे विरोध पर था, परमेश्वर ने अपनी जान को देकर हमें बचाया है। हालेलुया। कि विद्याओं का वह लेख, बहुत सही हम सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से कि ये तो विद्याओं का लिखा था, और ये तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था, इनकी बेटी के साथ ऐसा हो गया तो होना ही था, इनके बेटे के साथ ऐसा हो गया तो होना ही था। मतलब ऐसी बहुत सी बातें जो हमारे ऊपर होती है और हमारे जीवनों के ऊपर होती है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि जो विद्याओं में लिखा गया उसको कोई बदल नहीं सकता है, उसको कोई भी बदल नहीं सकता है। लेकिन एक इंसान नहीं, एक मनुष्य नहीं, एक परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, जिसके नाम से विद्याओं का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया है। और खत्म कैसे किया है? किल्लों पर अपनी जान को देकर, अपने लहू को बहाकर हमें परमेश्वर ने मोल लिया है। मतलब हमें परमेश्वर ने खरीदा है, अपनी जान देकर परमेश्वर हमें खरीदा है। इसलिए अगर आपके ऊपर ये पाप के बंधन है, अगर आपके ऊपर शराप है, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। निश्चय आज अपने आप को आप हल्का महसूस करेंगे, आपके जीवन में मजबूत कार्य होंगे, और ये बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आने वाली हैं, और आप आशीष पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और राजों के राजा प्रभु है, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान है, आप सर्वशक्तिमान है, आप दयालु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप कृपा करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य कर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और राजों के राजा प्रभु के प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता इनका जीवन मजबूत कार्य होने पाए, इनका जीवन मजबूत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो इनके ऊपर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके ऊपर श्राप है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये श्राप हटाए जाए मेरे पिता, ये श्राप मिटाए जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने अपनी जान देकर मेरे पिता, अपने किल्लों पर जान देकर मेरे पिता, आपने अपना लहू बहाकर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु हमारे पापों को क्षमा किया मेरे पिता। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आपने हमें मेरे पिता परमेश्वर हर एक पाप से आजाद किया मेरे पिता, हमें शराब से आजाद किया मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से, उस नाम से जो नाम सब नामों से ऊंचा है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से इनको जो पीढ़ी पीढ़ी के श्राप है मेरे पिता, इन्हें जो दुष्ट आत्मा परेशान करती है मेरे पिता, इनके घरों में जो दुष्ट आत्मा वास करती है मेरे पिता, इनके बिजनेस को दुष्ट आत्मा खागी है मेरे पिता, ये सारे श्राप को मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्थान के बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता, इनका जीवन मजबूत कार्य करो मेरे पिता, हर एक श्राप से आजाद होने पाए मेरे पिता। विक्की परमेश्वर आपको श्रापों से आजाद कर रहे, वीणा वाले परमेश्वर आपको श्रापों से आजाद कर रहे हैं, वीणा परमेश्वर आपको श्रापों से आजाद कर रहे हैं। ओ हालेलुया, रब सलका रब नमराजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, आपके नाम से श्राप टूट रहा है, आपके नाम से श्राप टूट रहे हैं, आपके नाम से श्राप टूट रहे हैं। इनके ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप है, जो बीमारियों के श्राप है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके ऊपर बीमारी के श्राप चलते आ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उन श्रापों को मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता। मैं प्रॉफिट सुमनदीप के लिए प्रार्थना करता हूँ, श्राप से आजाद हो जाए मेरे पिता। और जो मेरे पिता पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके ऊपर बिजनेस पर श्राप है मेरे पिता, जिनका बिजनेस चलता है रुकता है, चलता है रुकता है, चलता है रुकता है मेरे पिता, उनके नाम से उन श्रापों को भी मैं तोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, महान है, आप राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, आप सर्वशक्तिमान है मेरे पिता, आप दयालु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप कृपा करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। इनका बिजनेस के ऊपर जो भी श्राप है टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका बिजनेस दौड़े,
छोटे से छोटा बड़े से बड़ा बिजनेस इनका दौड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों को प्रभु श्राप है, जो इनके घर इनके बिकते नहीं है, जो इनके घर में कुछ दिखाई देता है, जो इनकी जमीन नहीं बिकती है, जो आपके जमीनों पर श्राप है, जो आपके घरों को पर श्राप है, हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपकी जमीन अच्छे रेट में बिक जाए, हर एक रुकावट दूर हो जाए और आप ब्लेस्ड हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो राजों का राजा प्रभु का प्रभु आपका जीवन में मजबूत कार्य कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपका जीवन में मजबूत कार्य कर रहे हैं। आपके ऊपर जो भी श्राप है टूट रहे हैं, आपके घरों के ऊपर जो भी श्राप है, आपके घर में आपको दिखता है कि कोई भारीपन दिखता है, कोई अंधकार दिखता है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको दिखाई देती है, आपके घर में आपको स्मेल आती है, जैसे कोई मरा हुआ तो उसकी स्मेल आती है, कुछ दिखाई देता, मतलब कि ये आपके पहले दादा दादी को दिखाई देता रहा, फिर उनके परदादा को, मतलब बहुत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है वो आपके साथ हो रहा है। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह आजाद हो जाए, यह आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ पहले, जैसे कि उनकी मम्मी जो की थी वो परेशान रहती थी, जो उनका पति था उन्हें छोड़कर चला गया था, अब कुछ ऐसी उनके बेटियों पर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि उनका पति उनको छोड़कर जा रहा है, तलाक ले रहे हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे शराब चलते आ रहे हैं। ये शराब मैं तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने हमें अधिकार दिया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता यह आजाद हो जाए, यह आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ओ रबा साला का रबा ना मराजुंग राजा प्रभुंग प्रभु, मेरे पिता आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप कृपा करने वाले परमेश्वर हैं। इनका जीवन मजबूत कार्य कर दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, यह ब्लेस्ड हो जाए मेरे पिता, याशिष्ट हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम से हर एक श्राप टूट जाए मेरे पिता, पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनके ऊपर श्राप है टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक श्राप को मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके घरों से निकलने पाए, हर एक श्राप टूटने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके घरों के ऊपर श्राप टूटने पाए, इनका शरीरों पर जो श्राप है, जैसे कि खाए पिए नहीं लगता है, पहले इनके पिता को नहीं लगता था, फिर इनकी आप उसके दादाजी को नहीं लगता था, फिर उनके परदादों को नहीं लगता था, ऐसे जो चलता आ रहा है, मतलब कि घरों में बीमारियां चलती आ रही हैं। और बस साला खरबनामा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां निकल रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पहले आपके मम्मी को बीमारी थी, फिर आपके पापा को बीमारी थी, ऐसे जो बीमारियां चलती आ रही पीछे से, अब वो बीमारी उनके बेटी को है, उनके बेटे को है, ऐसी श्राप वाली बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल रही है। देखने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारियां शरीर का शॉर्ट और निकल 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 निकल, श्राप से होने वाली बीमारियां इन शरीर का शॉर्ट और निकल प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलो। जो रोग चलते आ रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलते आ रहे हैं, दिल के रोग चलते आ रहे हैं, आंखों के रोग चलते आ रहे हैं, बवासीर का रोग चलते आ रहे हैं, पेट की बीमारी का रोग चलते आ रहे हैं, दिल के रोग चलते आ रहे हैं, दिल के शेद के रोग चलते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई आपको परा रही है। और राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, चंगाई उनको ऊपर आ रही है, चंगाई आपको ऊपर आ रही है। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, अपने मस्सा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा मेरे पिता इन्हें चंगा कर दो मेरे पिता, ये चंगे हो जाए मेरे पिता। आपके नाम से इनका शराब टूट रहे हैं, आप कहें मेरे शराब टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं शरापों से आजाद हो रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं शरापों से आजाद हो रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे शराब टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं आजाद हो चुका हूँ, कहें मैं आजाद हो चुका हूँ। मेरे पीछे बोले और कहें कि मैं आजाद हो चुका हूँ हर एक शराब से। अगर आपको लगता है मेरे पर शराब है, मेरे पर पीढ़ी दर पीढ़ी शराब चलते आ रहे हैं, तो आप कहें कि प्रभु यीशु मसीह जी मेरे शरापों को तोड़ दो मेरे पिता, मेरे शरापों को तोड़ दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे शरापों को तोड़ दो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं हर एक शराब से आजाद होने पाऊं, मैं हर एक शराब से आजाद होने पाऊं, मैं हर एक शराब से आजाद होने पाऊं। ओ राबा साला का राबा ना मराजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके शराब टूटने पाए। ओ राबा साला का राबा ना मराजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इसके नाम से हर एक शराब से आजाद होने पाए, हर एक शराब से आजाद होने पाए, हर एक शराब टूटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और रब्बा सलाख रब्बनामा मेरे पिता, ये शराब से आजाद हो रहे हैं, ये शराब से आजाद हो रहे हैं, हर एक शराब से आजाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज आपके ऊपर परमेश्वर ने अपना दया वाला हाथ रखा है और आज आप अपने शराबों से आजाद हो गए हैं, आपके घर बस रहे हैं प्रभु के नाम से, आपके रोग जा चुके हैं प्रभु के नाम से, आपके घर बिक चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर जो घर बेचना चाह रहे थे, जो घर लेना चाह रहे थे, आपको घर मिल रहा है प्रभु के नाम से, आप ब्लेस्ड हो रहे हैं प्रभु के नाम से। जो भी आपको ऊपर शराब के बंधन थे, ये सब टूट चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर दिया है। हर एक शराब से आप आजाद हो चुके हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर दिया है।
और ब्लेसिंग आपको प्राप्त की है और आप आजाद हो चुके हैं हर एक शराब से। निश्चय इस प्रार्थना के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। हर तरह के बंधन, हर तरह के शराब से आप आजाद हो गए हैं। आपको पर जो भी शराब है, हर तरह के शराब से आप आजाद हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज चंगाई आपको मिल गई है। आज आप चंगे हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय परमेश्वर ने आपको पर हर एक शराब को तोड़ा है और आप ब्लेस्ड हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।